आज हम राजकोट में फ्लावर शो देखने जा रहे हैं। ये प्रजासत्ताक पर्व की जो सेलिब्रेशन चल रहा है उसके पार्ट में ये फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे राजकोट को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ तक आने तो इतना ट्रैफिक था कि मैं अपनी बाइक भी 1 किलोमीटर पीछे छोड़ आया हूँ, और अभी भी हमको पूरे 1 किलोमीटर तक चलना है। तो हम देखने जा रहे हैं फ्लावर शो। ये देखिए रास्ते में भी रिंग रोड पे बहुत सारे स्टेज बना रखे हैं कि जिसमें स्कूल के बच्चे देशभक्ति के सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। ये जो पूरा रिंग रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, और यहाँ से हमें करीब 1 किलोमीटर तक चल के जाना होता है। और बीच बीच में भी एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह से देखिए ये एक और स्टेज आ गए। ये कोई स्कूल का है जिसमें बच्चे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वो देशभक्ति के सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। बीच बीच में ये देखिए कि हमारे भारत के झंडे भी लहरा रहे हैं। ये देखिए पालव स्कूल है, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे ओडिशा का सॉन्ग लेके आए हैं। ये देखिए पूरे राजकोट सिटी को रोशनियों के झलकनाथ से सजाया गया है। वैसे भी राजकोट सिटी रंगीलू राजकोट यानी कि सिटी ऑफ कलर्स कहा जाता है। कोई भी बहाना चाहिए राजकोट में सेलिब्रेशन का। अब हम अभी फ्लावर शो के गेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए गेट बना हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने रोड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट का ये पूरा लोगो बनाया गया है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर एंट्रेंस बनाया गया है रेड फोर्ट के साथ, रंग छे राजकोट और वेलकम टू फ्लावर शो लिखा हुआ, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और सीएम साहब दिखाई दे पड़ रहे हैं। हमें इस गेट्स में से अंदर जाना है।
हम आगे हुए चलते हुए दूसरे सेक्शंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्लावर के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल का भी यहाँ पे एग्जीबिशन है। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम उस वक्त नहीं गए थे। ये देखिए फूलों से बना हुआ बहुत ही सुंदर पिकॉक का नज़ारा हमें दिखाई दे पड़ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा पिकॉक हमें दिख रहा है। ये फ्लावर पॉट्स के अरेंजमेंट देखिए किस तरह से इसको अरेंज किया गया है। पूरी रोज में जो सर्कुलर मोशन में जो रो है उसमें उसको बहुत ही अच्छी तरह से ये सुंदर नज़ारा यहाँ पे है। ये देखिए जिस तरह से आसाम में जो स्टेप वाइज अरेंजमेंट होती है जो हमारे फार्म की उस तरह से ये रखे हुए है। ये पूरा सेक्शन सेव वाटर का है जिसमें तरह तरह के जो प्रदर्शन के द्वारा हमें सेव वाटर की जानकारी दे गई है। इसमें देखिए यूज लोकल जो लोकल बना हुआ हमारा मिट्टी का बना हुआ बर्तन को प्रमोट किया गया है। इसमें प्लास्टिक की जगह हम ये सब मिट्टी के बने हुए जो कप यूज करें तो इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। ये बहुत ही सुंदर कार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए सेव वाटर के सेक्शन में बीच में एक नाव रखी गई है जैसे कि पानी ये ब्लू कलर का जो है वो पानी है। ये राजकोट महानगर पालिका का और एक लेबल जिसने ये बहुत ही सुंदर तरह का ये जो प्लांट सो है फ्लावर सो है ये देखिए रंगीलो राजकोट। ये राजकोट महानगर पालिका का ये बहुत ही सराहनीय एक स्टेप है राजकोट के जनता के लिए। राजकोट रंगीलू है ही मतलब के कलरफुल सिटी है ही और ये फ्लावर्स है तो उसमें और कलर भर दिए। ये देखिए दांडी मार्च का सीन जिसमें गांधी जी और उनके साथ साथ लोग दांडी मार्च करते हुए फ्लावरों के बीच हमें दिखाई दे पड़ रहे हैं। ये फिर से सेव वाटर और उसमें जो नाव दिखाई दे रही है पानी के बीच। ये दांडी मार्च का सीन दूसरे एंगल से